नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न की। देखिए, वृश्चिक लग्न वालों को अपने अक्टूबर महीने को किस तरह से प्लान करना है और हमें आगे कैसे बढ़ना है, आज उसकी हम पूर्ण चर्चा करेंगे। देखिए, वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी होता है मंगल। मंगल 22 दिनों तक आपके 11वें भाव में बुध और सूर्य के साथ चलायमान रहेगा और ये 22 तारीख तक रहेगा। उसके बाद वो आपके द्वादश भाव में चला जाएगा। लग्न में 2 तारीख से 30 अक्टूबर तक शुक्र आपके लग्न में रहेगा केतु के साथ। शुक्र और केतु की युति लग्न में हो रही है। लग्नेश का खुद से 11वें भाव में जाना ये एक तरह से बदलाव की स्थिति को दिखाता है। आपके अंदर ये शुक्र लग्न में आने के कारण आपके अंदर एक अलग प्रकार का आकर्षण रहेगा। ये एक ऐसी बात है जो अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई बदलाव की स्थिति के अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट है और आपका प्रेजेंटेशन आपको देना है, तो इसमें आपकी एक अलग ही ऊर्जा दिखाई देगी। आपका एक आकर्षण अलग प्रकार का होगा और आपको लोग बहुत ही अप्रिशिएट भी करेंगे और उसका आपको लाभ भी प्राप्त होगा। देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है शुक्र का लग्न में होने से कारण उसकी एक अलग ऊर्जा है और इसकी एक अलग पॉजिटिविटी है। नेगेटिविटी को कम कर ये पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है आपको, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और लग्नेश का खुद से 11वें भाव में जाना आपको सर्वांगीण लाभ दे रहा है। देखिए, बुध वक्र पोजीशन में है 27 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक। ये कैसी स्थिति है, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि ये वक्री बुध के कारण सबसे पहली चीज, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई भी आप मेल करते हो, आप प्रेजेंटेशन बनाते हो या आप इंटरव्यू में जाते हो, उसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अपने शब्दों का चुनाव अच्छे से करना है आपको। प्लस डॉक्यूमेंटेशन या लिखने में या आपके कोई भी मेल प्रोसेस में आपसे वर्ड्स कुछ गलत न लिख दिए जाएं या आपके शब्दों को गलत मतलब मिस इंटरप्रिट न किया जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और लिखने में गड़बड़ भी हो सकती है, इस तरह की चीजें, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उनको दो बार चेक करने के बाद ही आप आगे बढ़िएगा। क्योंकि ऐसी स्थिति मैंने बहुत बार देखी है, जब भी बुध वक्र पोजीशन में आता है तो इस तरह की परिस्थितियां होती है, तो इसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा। कोई भी कार्य करे दो बार चेक कीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा 18 अक्टूबर तक, ये ध्यान रखिएगा। आपको अपने कोई भी प्रतिद्वंदी है या आप कहीं पर भी प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, आपको बोलने में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपका प्रेजेंटेशन होगा बहुत अच्छा, आप कोई भी जगह पर कोई भी कार्य में जा रहे हैं, आपको कोई नकारात्मकता नहीं है, मगर हाँ, बुध वक्री होने के कारण वाणी के अंदर शब्दों का चुनाव बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए और आपको प्लान करके चलना है कि आपको क्या बोलना है, ये चीज को आप देख लीजिएगा और डॉक्यूमेंटेशन को दो बार चेक कीजिएगा, ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। देखिए, दूसरे भाव का स्वामी है गुरु और गुरु आपके तृतीय भाव में शनि के साथ, शनि आपका चतुर्थेश भी है और तृतीयेश भी है, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि देखिए, मंगल की भी पूर्ण दृष्टि चतुर्थ आपके फाइनेंस पे पड़ी हुई है, तो आपकी इनकम में तो बढ़ोतरी 100% होगी। आप कहते हैं ना कि आपके भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अब मधुर होने की संभावनाएं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी तक जो गुरु वक्र पोजीशन में था, अब 18 तारीख से वो मार्गी हो जाएगा, तो अब इनकम में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। प्लस आप अपने भाई बहनों के साथ अगर कोई संबंध खराब थे, उनको अब बेहतर कर पाएंगे 18 तारीख के बाद। तो 18 तारीख तक आपको संभालना है, आप कोई भी चीज के अंदर खुद आगे से कोई ऐसी मैटर को मत छेड़िएगा, हो सके तो शांति से अपने इस समय को निकालिएगा और 18 तारीख के बाद आप अपने संबंधों को बेहतर कर पाएंगे। और तृतीय भाव, उसमें गुरु और शनि की युति है, तो ये एक पराक्रम की स्थिति है और आपके पराक्रम कंट्रोल में भी रहेंगे, क्योंकि शनि हमेशा कंट्रोल वाला पराक्रम देता है, उसे पता होता है कि उसकी बाउंड्रीज क्या है और गुरु उसके साथ है, तो आपकी बुद्धिमत्ता से अब कोई भी चेंज करना चाहते हैं, कोई भी प्रकार के बदलाव की तरफ जाना चाहते हैं, बहुत समय से एक जगह पर जॉब कर रहे हैं,
अब आपको लगता है कि आपको जॉब चेंज करने की जरूरत है, तो आप उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के अंदर भी आपको किसी भी प्रकार का ग्रोथ करने की इच्छा है तो आप उसके अंदर कोई भी चेंजेस या ऑफिस का चेंजेस करना चाहते हैं, इस तरह का कोई भी परिवर्तन है, कोई नई चीज को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। उसके प्रति आपको बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि होकर खुद तीसरे भाव में है गुरु के साथ, वही कि आप माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं हैं अब वो दूर होती चली जाएंगी। आपके प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी कार्य अटक रहे हैं तो अब उसमें कुछ पॉजिटिविटी आपको जरूर नजर आएगी आगे। और ऐसा कोई भी कार्य जो आपकी मातृभूमि से कनेक्टेड कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है उसमें भी कुछ पॉजिटिविटी अब निकल के आएगी। और मैं ये नहीं कहती कि संपूर्ण रूप से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मगर हाँ उसमें जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी और आपके मानसिक सुख में वृद्धि होगी और वो वृद्धि आपको ऑटोमेटिक 17-18 के बाद खुद महसूस होगी। देखिए पंचम भाव का स्वामी गुरु होकर तृतीय भाव में है तो ये एक ऐसी स्थिति है, अगर आप कोई जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी लीगल स्टडीज की तरफ हैं जिसके अंदर आप जज की एग्जाम दे रहे हैं, इस तरह की स्टडीज में जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है और ये एक ऐसी स्टडी रहेगी जो आपके लिए परफेक्ट होगी। कायदा कानून से कनेक्टेड कोई भी एजुकेशन है उसमें स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। और कोई भी महिला अगर चाइल्ड एक्सपेक्ट भी कर रही है तो अभी एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें ज्यादा रिस्क लेने जैसा नहीं है, ज्यादा लंबी यात्राओं की तरफ मत जाइएगा, ये एक आपको जरूर ध्यान रखना है। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए एक बेटर पोजिशन मैं कहूंगी क्योंकि मंगल की दृष्टि पूर्ण आपके पंचम भाव में है तो ये आपके अंदर एक ऊर्जा प्राप्त हो रही है और ऊर्जा आपके लिए बेस्ट तरह से काम करेगी। आप अपने बच्चों के साथ बहुत वाद विवाद की अगर कोई स्थिति थी तो अब वो बेहतर स्थिति की तरफ आएगा और आपको उनको समझने की थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि विचारों का मतभेद हो सकता है। देखिए मंगल की ऊर्जा के कारण अगर कोई भी IT प्रोफेशंस हैं और इस तरह की कोई एजुकेशन लेते हैं जो मेडिकल छात्र है उन लोगों के लिए भी एक बहुत बेहतर परिस्थिति है तो वो स्टूडेंट्स के लिए एक बेटर आप उम्मीद लगा सकते हैं आगे के लिए। देखिए सिक्स्थ हाउस का स्वामी खुद से छठे घर में गया है तो अभी लोन्स न लिया जाए, 22 तारीख तक कोई भी लोन को अवॉइड कीजिएगा। और स्वास्थ्य को आप ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है क्योंकि ब्लड संबंधित स्किन संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है तो उसको लाइटली नहीं लेना है। और जब भी सिक्स हाउस का लॉर्ड खुद से सिक्स पे जाता है तो स्वास्थ्य को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए और स्पेशली ब्लड प्रेशर को। तो ऐसी कोई समस्या है तो आप रेगुलर चेकअप्स करवा लीजिएगा और डायबिटीज को भी कंट्रोल रखिएगा, इसके लिए योग प्राणायाम का सहारा लिया जाए तो सबसे बेस्ट है आपके लिए। और लोन्स को 22 तारीख तक अवॉइड किया जाए ये मेरी आपसे गुजारिश है क्योंकि मंगल, वैसे पूरे ही महीने आप इसको अवॉइड करें तो अच्छा है क्योंकि बाद में भी मंगल की दृष्टि सिक्स्थ हाउस पर रहेगी, ये लोन्स आपको आगे पे ऑफ करने में काफी प्रॉब्लम हो जाएगी तो ये एक आपको ध्यान रखना है। हाँ आपको कोई भी प्रतिद्वंदी परेशान नहीं करेंगी, आपका स्टैंड मजबूत रहेगा, आपको ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि कोई आपका कुलीग्स आपको परेशान करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है तो ऐसी कोई चिंता नहीं है। देखिए सप्तम भाव में राहु ये एक संशय की स्थिति देता है, आपको एक शंकास्पद स्वभाव की तरफ लेकर जा रहा है आपके लाइफ पार्टनर की तरफ, तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर आपको नहीं करना चाहिए। लाइफ पार्टनर के अंदर आप अगर इस तरह की स्थिति क्रिएट करेंगे तो फिर झगड़े होंगे, तो देखिए डाउट्स में से बाहर निकलिए। और एक अज्ञात भय आपको बना हुआ है और ऐसी कोई स्थिति नहीं भी है तो भी आप इस तरह के विचार लेकर आ रहे हैं और शुक्र की पूर्ण दृष्टि होने के कारण ऐसी स्थितियां होती है। और आप एकदम से कोई पार्टनरशिप में अभी मत पड़िएगा, क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर धोखा हो सकता है आपके साथ,
तो ये एक ऐसी स्थिति है जिससे आपको बचना चाहिए। और ज्यादा किसी पर पैसों को लेकर विश्वास करना एकदम से, वो आपके लिए बहुत नुकसानकारक हो सकता है। तो आप अपनी लाइफ पार्टनर की बात कर सकते हैं, उनके साथ आप कोई भी प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं, मगर कोई बाहर के व्यक्ति को आप अपनी पार्टनरशिप के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं दिए तो अच्छा है आपके लिए। और ये एक ऐसी स्थिति है जो इवेंट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है, ये एक टेक्सटाइल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, ये एक केमिकल बिजनेस के लिए बेस्ट स्थिति है, और होटल मैनेजमेंट या आप रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर हैं, आप इंटीरियर डिजाइनिंग में हैं, आप आर्किटेक्चरल कोई कार्य करते हैं, उसके लिए एक बहुत ही बेटर पोजीशन मैं कह सकती हूँ, उसके अंदर आपको बहुत लाभ है और उनके लिए ये बेस्ट स्थिति है। तो ये एक बेटरमेंट की तरफ लेके जा रहा है, बिजनेस को भी आगे बढ़ा रहा है ये चीज, क्योंकि स्वगुरु ही शुक्र, शुक्र अपने खुद के घर को देख रहा है, तो ये एक इनकम के अंदर आपकी बढ़ोतरी होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। देखिए अष्टम भाव का स्वामी बुध होकर 11वें भाव में रिसर्च में आपको आगे बढ़ा रहा है, और नवम भाव के अंदर गुरु और शनि की पूर्ण दृष्टि है, तो ये आपको आध्यात्मिक ऊर्जा में उन्नति करा रहा है। आप आध्यात्मिक ऊर्जा के अंदर आपकी उन्नति होगी, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन या आप कोई भी प्रकार की आगे की स्टडीज जिसमें मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट पोजीशन है, और उसमें भी अगर आप लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है आपके लिए, तो उसके लिए आगे बढ़ा जा सकता है 100%। और ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें गुरु की दृष्टि के कारण आपके भाग्य का सपोर्ट आपको निर्णायक स्थिति में, आपको डिसीजन प्रोसेस के अंदर आपके भाग्य का सपोर्ट जरूर प्राप्त होगा, और ये एक ऐसी स्थिति है जो आप अपने बदलाव की तरफ जाना चाहते हैं और आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ेगा, तो वो डिसीजन स्थिति में आप गलत नहीं पड़ेंगे, आपके भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त जरूर होगा। देखिए दशम भाव का स्वामी सूर्य होकर 11वें भाव में और भी मंगल और बुध के साथ, ये एक ऐसी स्थिति है जो एक मेडिकल का कार्य करते हैं, फार्मास्यूटिकल का कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। फाइनेंस के अंदर, बैंकिंग के अंदर जो जो है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। उसमें कोई सोलर संबंधित कार्य कोई करता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थितियां हैं। कोई नए बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो भी एक बेहतर पोजीशन है। आपको बदलाव की तरफ लेके जा रहा है, आपको आपका कर्म आपको बहुत ही बेटर पोजीशन की तरफ लेके जा रहा है। आपके अंदर जो भय है उसमें से आपको बाहर निकलना है, डिसीजन लेना है, आप गलत नहीं पड़ेंगे। और सबसे अच्छी स्थिति है कि पूरे ही महीने शुक्र की पूर्ण ऊर्जा आपको प्राप्त है, तो आपके अंदर एक पर्सनैलिटी में एक निखार आएगा और आपके अंदर एक नेगेटिविटी जो थी वो दूर होगी, ये एक प्लस पॉइंट है। देखिए 11वें भाव के अंदर मंगल बुध और सूर्य की युति के कारण पूर्ण लाभ, सर्वांगीण लाभ की स्थिति है, तो वो एक बनी हुई बात है। और द्वादश भाव का जो शुक्र है वो लग्न में है, तो विदेश संबंधित कोई भी कार्य है वो आपका नहीं अटकेगा। हाँ, जब सूर्य 17 तारीख को 12वें घर में चला जाएगा तब आपको अनिंद्रा की समस्या हो सकती है, तो उससे आप बचिएगा। और कोई भी विदेश से संबंधित कार्य है उसमें आपको पूरे ही महीने आपको बहुत ही पॉजिटिविटी है, प्लस सबसे अच्छी चीज ये है कि बदलाव का समय है, मगर ये बदलाव आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है। नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी में जाना ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग, आप उसमें अपने अंदर की पर्सनैलिटी को निखार की तरफ लेकर जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी जो पहले बहुत समय से नेगेटिविटी की तरफ थी, तो ये एक बेस्ट पोजिशन है। ओवरऑल मैंने आपको पूर्ण संभावनाएं बता दी है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। देखिए 22 दिन के लिए बुध वक्री है, तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां मैंने आपको कहा कि शब्दों का चुनाव अच्छे से कीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स को दो बार चेक कीजिएगा, और कोई भी ऐसी कोई भी समस्या है तो उसमें लाइटली मत लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा हर चीज को। गुरु मार्गी होने से आपको काफी लाभ होगा 18 तारीख अक्टूबर को, और शनि 11 अक्टूबर को मार्गी होगा, तो ये एक मार्गी होने की स्थितियां हैं, तो अब सारी प्रॉब्लम्स का एंड होकर आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है।
और जो भी कार्य अटके हुए हैं अब उसमें एक स्थिरता आएगी। और सारे ही पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, मगर आप आगे भी हमसे जुड़े रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे बहुत सी जानकारियां हम शेयर करने वाले हैं। और देखिए, हर महीने का राशिफल आपको आपके जीवन को एक सही दिशा देने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, उससे आप अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, उस तरह से अपने आगे की महीने को प्लान कीजिए। और अगर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।